धन्यवाद आपको एक तह तक जाके और ये महसूस करना कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो धन्यवाद है आप लोगों को। लेकिन मुझे इस एक आम कार्यकर्ता हूँ और छोटी सी एक सिपाही के रूप में हूँ, उसके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। क्योंकि अपना धन्यवाद देती हूँ सोनिया गांधी जी को, माननीय प्रियंका गांधी जी को, कि एक महिला होके और महिलाओं के हाथ में इतना मजबूत और एक बड़ा हथियार देके एक छोटे से कार्यकर्ता को यह एहसास करा दिया है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर होता है तो उसका काम बड़ा होता है। मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि हमको बड़ी जिम्मेदारी, इसी तरह से मैं अपने बूथ के व्यक्तियों को अपने साथ इसी तरह से ले रही हूँ कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। आज हमारे प्रमुख पदाधिकारी जो प्रदेश से आए हुए हैं, उन्होंने आज जो 5 से 15 तक के प्रोग्राम दिए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपने अभी कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तो मेरे कार्यकर्ता, मेरे बूथ का कार्यकर्ता आज इतना खुश है कि हमारी जो आवाज़ थी वो नेतृत्व ने सुनी है। हम पार्टी के लिए अपने हर तरीके से समर्पित होके और पार्टी के कामों को करेंगे, तो मैं अपने आप को बहुत ही ये खुशी का माहौल समझती हूँ, खुशी की बात समझती हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में अपने कामों को अच्छी तरह से निभा पाऊँगी। और आप लोगों से और मैं अपने सभी जितने मेरे आए हुए आज बंधु हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी कोई बड़ी नहीं होती है, अगर हम लोग काम करने के लिए और हमारे अंदर जज्बा है तो बहुत अच्छा ये सुनहरा अवसर है। क्योंकि आज हम सब लोग इस भारतीय जनता पार्टी की मार से सह रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग से हो, जिस भी क्षेत्र का काम है उससे हमारे कार्यकर्ता पीड़ित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं सुचारू रूप से जनता के बीच जाऊँगी इन प्रोग्रामों को लेकर। ये प्रोग्राम है, ये बूथ से लेकर शहर तक पूरा प्रोग्राम है, एक साथ होके करेंगे। अभी कोई जिला अलग नहीं, शहर अलग नहीं, एक साथ होके, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक है। जी जी, प्रदेश से आप कार्यकर्ता हैं लेकिन शहर के दोनों पूर्व अध्यक्ष वाले कोई आपके साथ नहीं। जी जी, ये आप बार बार ये सवाल करते हैं, बिल्कुल उनका पूरा सहयोग हो गया। कल भी मैं जाके व्यक्तिगत मिली हूँ, आज शहर के अध्यक्ष बैठे हैं, शहर के अध्यक्ष पूर्व आज अस्वस्थ है, अभी भी बात हुई थी मेरी। जी बिल्कुल नहीं, मैं स्वयं घर पे जाके जिम्मेदारी ले ली। आज जो पर्चा नहीं, मेरे सब लोग साथ हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमें जिम्मेदारियां मिली है सब ने ली है, सारे लोगों ने। देखिए जैसा कि देश के अंदर आज की तारीख में आर्थिक मंदी छाई हुई है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, GST और नोटबंदी के बाद से हर व्यापार ठप हो चुका है, और उसके ऊपर जो है मोदी जी चाहते थे कि ये जो कल फैसला कल रोल बैक किया है, उसके लिए मीडिया के अपने सभी बंधुओं को भी और अपने कांग्रेसजनों को, अपने नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय से उसे उठाया और भाजपा के ऊपर दबाव बना के रोल बैक करने के लिए मजबूत कर दिया। ये जो RECP जो करना चाह रहे थे, बहुत सारे देशों का मिलके एक व्यापार समझौता, उससे तो हमारा किसान, रेहड़ी वाला, छोटा व्यापारी, आज ही आप देख लीजिए चीन का जो सामान आता है उसकी वजह से हमारा बिजनेसमैन कितना परेशान है। नौजवान की छटनी चल रही है, रोजगार नया तो कोई क्रिएट हो नहीं रहा, और सरकार जो है हर डिपार्टमेंट को, हर जो अपनी नवरत्न कंपनियाँ हैं उन तक को बेचने पर आमादा है। हमारे पूरे प्रदेश भर में 5 तारीख से, आज से और 15 तारीख तक, पहले हम जगह जगह जनजागरण करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, पर्चा वितरण करेंगे, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में जाएंगे, विभिन्न जो व्यापारिक या किसान संगठन है उनसे बातचीत करेंगे, और आखिरी में 15 नवंबर को हम कलेक्ट्रेट का घेराव अपने सभी साथियों के साथ पूरे प्रदेश भर की हर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, ताकि ये जो विषय है सरकार उस पर चेते और उस पर कुछ आगे कदम बढ़ाए। कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और आगरा जनपद का प्रभारी। क्या करने वाली है कांग्रेस आने वाले दिनों? देख, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश के जो दबे कुचले मजदूर, किसान, युवा जो इस
प्रदेश के अंदर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हमको आपके बीच में भेजा। उस उन संदेश को लेकर हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले पंचायत तक, क्या संदेश है? संदेश ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी जो प्रदेश के मुखिया कहते थे कि मेरे इस सरकार में कोई भी घोटाला नहीं होगा, जो कि भविष्य निधि के अंतर्गत आप देख रहे होंगे 2600 करोड़ का घोटाला जीता जागता उदाहरण है, वो मेरे ही विधानसभा से क्षेत्रीय विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने इतने अड्डे, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है कि इतने लाख तक का वो काम करेगा और इतने लाख तक का मेरा भाई काम करेगा, इतने लाख तक एक अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने इस तरीके का जब अपने गृह क्षेत्र में बांट रखा है, तो आप समझ लीजिए कि प्रदेश में उन्होंने क्या हाल कर रखा है। इन सब चीज़ों को लेकर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी इस गूंगी बहरी सरकार को कानों तक आवाज़ सुनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमें प्रियंका गांधी ने आप लोगों के बीच में भेजा है। आप जनता के बीच में जाएंगे लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि आपने जैसे आरोप लगाए हैं जो केंद्र और प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस के ऊपर लगे, आपके वित्त मंत्री इस समय जेल में पड़े हैं, आपको एक बात कैसे जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी? आपको मैं बात बता दूं, आप जीता जागता उदाहरण है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने पढ़ा होगा कि ये देश की सरकार और प्रदेश की सरकार हिटलर शाही और थानाशाही के रूप में, मेरे सवाल का, अरे मैं दे रहा हूँ साहब, आप सुन लीजिए। और आप ये देख रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में एक आम आदमी 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के किसी भी विभाग से सूचना कर ले सकता था, क्योंकि ये सरकार मनमानी कोई आवाज़ बुलंद करता है, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है, उसको ईडी का इतना छापामारी की जाती है, उसको इतना डरा दिया जाता है। वही काम हमारे नेताजी को भी जो आप बोल रहे हैं उसी के शिकार वही हैं। आप देखिए, ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होगा, बेगुनाह है। उसका निर्माण करने के लिए आज